ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता शिव को मेरा नमस्कार है। तो आज मैं एक ऐसा तंत्र लेकर आया हूँ जिससे कि माँ पार्वती ने शिव से पूछा था कि भगवान, जब मृत्यु लोक में इतने दुख उठेंगे और इतनी व्याधियाँ होंगी, तो उनका निवारण करने के लिए कोई औषधि बताइए। उस समय माँ पार्वती को भगवान शिव ने ये मंत्र दिया था जिससे कि जितने भी पारिवारिक समस्याएं होती है वो दूर हो सकती हैं। तो कभी भी अगर पारिवारिक जीवन में मनमुटाव आए या फिर किसी भी तरह के झगड़े हो रहे हों, मारपीट, शराब पीना, जो भी कुसंगति हो, उसको हटाने के लिए इस तंत्र को प्रयोग में लाया जा सकता है। एक वट वृक्ष ढूंढेगा, बहुत ही पुराना, पीपल का भी चल जाएगा, या फिर कोई भी ऐसा पेड़ हो जो कि बहुत पुराना हो, उसको ढूंढेगा और सावन में उस पेड़ के पास जाकर अपना जो भी मनोरथ है वो स्पष्ट कीजिए। कहिए कि मुझे ये चाहिए, ये जो दुविधाएं मेरे जीवन में आ रही हैं इनको दूर कीजिए। और इस मंत्र को जब आप पूरा बोल दें, अपना जो भी आप जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, जो कि आए और जितनी भी परेशानी आपकी दूर हो, उसके बाद आपको उस वृक्ष से ये मंत्र बोलना है। अत्रैव तिष्ठे कल्याणी, मम कार्य करी भव, मम कार्य कृते सिद्धे, ततः स्वर्गे गमिष्यसि। अर्थात, हे कल्याणी, यहीं स्थित होकर तुम हमारा कार्य करो, मेरे कार्य की सिद्धि होने से फिर तुम्हारा स्वर्ग में गमन होगा। ये मंत्र बोलकर आप वापिस आ जाइए बिना पीछे देखे। ऐसा 7 दिन तक कीजिए, तो कुछ ऐसा चमत्कार होगा इस सृष्टि में कि जितनी भी आपकी व्याधियां हैं वो देखते ही देखते इन 7 दिनों के भीतर भीतर दूर हो जाएंगी। ये भगवान उवाच है, भगवान के मुख से निकली हुई बातें हैं जो कभी विफल नहीं जाएंगी। अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत आए तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625। धन्यवाद।